एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 3 ज्योग्राफी हमारी बदलती पृथ्वी स्थल मंडली प्लेट। भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप व महासागर की सतहें टिकी हैं। पृथ्वी की गतियां अंतर्जनित बल बाहिर्जनित बल अपरदन व निक्षेपण नदी बाता जल पवन समुद्री तरंग हिमनद। अंतर्जनित बल आकस्मिक बल पटल विरूपण बल पर्वत निर्माणकाली बल। आकस्मिक बल में भूकंप ज्वालामुखी भूस्खलन। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडली प्लेट कहते हैं। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिसके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। पहला अंतर्जनित बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित। दूसरा बाहिर्जनित बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ये चित्र से देखते हैं मैग्मा कोस्ट, यहाँ लावा है, पर्पटी है, मेंटल, यहाँ से निकास द्वार है, क्रेटर, ये वाला जो आकार बनता है शंकुआकार वो क्रेटर है। गैस व राख भी निकलती है इससे। भूकंप स्थल मंडली प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ केवल कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है। भूकंपी तरंगें तीन प्रकार की होती हैं। पहला पी तरंगे या अनधैर्घ्य तरंगे, दूसरा यश तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे, तीसरा यल तरंगे या पृष्ठी तरंगे। भूकंप मापन यंत्र भूकंप लेखी है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 या उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिसकी 5 होती है वो वस्तुओं गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिसकी 6 या उससे अधिक वह बहुत शक्तिशाली है और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। मुख्य स्थलाकृतियाँ पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल पवन व हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। अपरदित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर निक्षेपित होते हैं। अपरदन व निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाट में गिरती तो यह जलप्रपात बनाती है। मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने पर नदी मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। बाढ़ का मैदान, तटबंध, विसर्प चाप झील। विसर्प लूप के सिरे के निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं, वह एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। एग्जाम्पल सीतामढ़ी, इलाहाबाद। कभी नदी अपने तटों से बाहर निकलकर निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लाती और समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं, यानी उठे हुए तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका कहा जाता है। नदी धीमी होने के कारण यह मलबे का निक्षेपण करती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों से डेल्टा का निर्माण होता है। समुद्री तरंग के कार्य तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होता है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़ी होते जाने से इनमें केवल छत ही बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है, वह केवल दीवारें बचती हैं जिन्हें स्टैक कहते हैं।
समुद्री जल के ऊपर ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। हिमनद के कार्य। हिमनद हिमानी अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलास्मी मिट्टी व पत्थरों को अपर्दित कर देती हैं और गोलास्मी मिट्टी व पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है, वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। पवन के कार्य। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भागों की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है, इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। थैंक यू।